हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी लोगों का एक साथ में स्वागत है। दोस्तों, हमारे पड़ोस में आज एक लड़का था जो YouTube का वीडियो बनाना चाहता है और बना भी रहा था, एक दो चार वीडियो बनाया था। तो उसको पिताजी क्या बोलते हैं, तुम वीडियो बनाओगे, इज्जत धो के पी गए हो, पहले पढ़ाई लिखाई करो और मैं जितना कहूँ बस उतना ही करने का। तो उसके पापा इस तरह बोल रहे हैं। तो मेरे पास वो आया, बोला ऐसा ऐसा हो गया, मैं वीडियो बना रहा था, मुझे मना कर दिए, मैं क्या करूं, मेरी बहुत ही इच्छा है यूट्यूब पे काम करने की, वीडियो बनाने की, हो सकता है मैं अभी भाई आगे बढ़ जाऊं, ग्रो कर जाऊं। तो मैं बोला क्या बोल रहे हैं, बोला यही बोल रहे हैं, तुम वीडियो बना रहे हो, वीडियो बनाने में कोई इज्जत नहीं है, इज्जत धो के पी गए हो। तो मैं बोला अरे यार, वीडियो बनाना कोई गलत काम है क्या, अपने बाप से बोलो, वीडियो तो अच्छे अच्छे बना रहे हैं, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, मोदी का भी वीडियो आता है। दोस्तों, ये किस हद तक सही है, किसी बच्चे को, वो तुम्हारा बच्चा है, गुलाम थोड़ी है कि आप बोल रहे हो। अगर आप बाप हो, आप बोल रहे हो मैं जितना कहूँ उतना नहीं करने का, अगर आप बाप हो और आप किसी बच्चे को इस तरह बोलते हो कि मैं जितना कहूँ बस उतना ही करने का, वीडियो नहीं बनाने का, वीडियो बनाता हो इज्जत धोके पी क्या है, अरे भाई वीडियो बना रहा है उसमें क्या दिक्कत है, वो किसी पान के गले बैठ के दारू तो नहीं पी रहा है, ताश तो नहीं खेल रहा है, तो इसमें क्या बुराई है। अगर वो वीडियो बनाना चाहता है, हो सकता है ऑनलाइन ही कुछ करके वो दिखा दे, आगे बढ़ जाए बच्चा। हाँ, तुम बाप हो ये बोल सकते हो कि अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है, तब आप बोल सकते हो कि पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। जब वो बोल रहा है कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ, ठीक है, खाली टाइम पर, तो ऐसे बहुत से लोग हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में ज़्यादा पूरा दिन नहीं लगता, ठीक है, आप पढ़ाई करते हुए भी आदमी वीडियो बना सकता है। जब वो लड़का बोल रहा है कि मैं पढ़ाई करते हुए भी वीडियो बना सकता हूँ, तो इसमें क्या बोलने वाली बात है, नहीं वीडियो तो नहीं बनाओगे, मोबाइल ले लिया उसका बेचारे का, मोबाइल दिए थे उसको ऑनलाइन पढ़ने के लिए, मोबाइल भी ले लिया। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि जो भी बाप ऐसा कर रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है बच्चा आज बना रहा है, हो सकता है वो आगे बढ़ जाए, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा कि पढ़ाई, अगर कोई वीडियो बना रहा है तो पढ़ाई को नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई से हमारा भविष्य तय होता है। क्योंकि अगर चैनल नहीं ग्रो किया तो आप पढ़ लिख कर कहीं जॉब भी पा सकते हो, नई सरकारी मिली तो प्राइवेट भी जॉब कर सकते हो, तो पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो, यूट्यूब पर आना चाहते हो, ऑनलाइन कुछ करना चाहते हो, तो किसी बाप को नहीं मना करना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। किसी लड़के को नहीं बोलना चाहिए कि नहीं ये मत करो, जितना मैं कहूँ बस उतना ही करो, अरे तुम्हारा लड़का है यार, गुलाम थोड़ी है, आप उतना ही उसे समझाओ, उतना ही दबाओ जितना कि ज़रूरी है। किसी बच्चे को इस तरह नहीं दबाओ कि उसका मन टूट जाए, उसका मनोबल घट जाए, ठीक है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप हिम्मत मत हारो, अगर आप YouTube पे आना चाहते हो, वीडियो बनाना चाहते हो, तो आप बनाइए, ठीक है। ये जीवन में कठिनाई तो आती रहती है, किसी न किसी बहाने, कभी मम्मी रोकेगी, कभी पापा रोकेंगे, कभी समाज रोकेगा, कभी आपका भाई रोकेगा, कभी सगे संबंधी आपको ताना मारेंगे, अरे वीडियो बना रहा है, इज्जत धोके पी गया है, वीडियो बना रहा है। हमें अपने भी डीमोटिवेट करते हैं, आपके परिवार के, घर के लोग, मम्मी पापा, सगे संबंधी, रिश्तेदार, ठीक है, गांव के लोग, पड़ोस के लोग। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, सिर्फ करना है तो करना है, शुरू रहो, बीच में जो कठिनाई आती है उसको साइड में करो और शुरू हो जाओ। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में, मैं आप सबको यही कहूँगा कि हिम्मत मत हारो, बस लगे रहो, कठिनाई तो आती रहती है, पापा के रूप में, मम्मी के रूप में, गांव समाज के रूप में, सगे संबंधी के रूप में, ये सब होता रहता है, बस आप सब अपने काम पे ध्यान दो और कहीं नहीं। तो चलता हूँ, मिलता हूँ फिर कोई नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।